अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 17 था 23 सितंबर 2018 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट सबसे पहले वो है 10 मुहर्रम हराम। दुनिया भर की तमाम तर कुर्बानियों शहादतों में अफसलियत रखने वाला अहम मुकाम। जैसे पिछले हफ्ते कहा था कि साल का आगाज भी कुर्बानी से और साल का जो इख्तिताम है वो भी कुर्बानी पे, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जो कुर्बानियों का सिलसिला था, सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसको करबला में मुकम्मल कर दिया। दुख की इस घड़ी में इस मौका पर बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी सोचें जहन में आती हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा गौर व फिक्र कर लें अल्लाह के अहकाम के मुताबिक कि गौर व फिक्र करो, तो देखना और सोचने की बात सिर्फ ये कि कुर्बानी का मकसद क्या था। अगर हमने ये समझ लिया और उस कुर्बानी के मकसद को अपनी ज़िंदगी पे हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी जो है बहुत आसान भी हो जाएगी, दुखों और तकलीफ़ों से भी हमें निजात मिल जाएगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला गमे हुसैन जो है वो हमें बर्दाश्त करने की जो है उसको और उसकी अफादियत को समझने की तौफीक जो है वो अता फरमाए, ताकि हम उस कुर्बानी को अपने लिए राह निजात बना सकें। आगे मौजूदा हफ्ते शुरू करने से पहले चैनल के बारे में कि इसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो अगर आपने कर ली हुई है तो मैं हमेशा की तरह शुक्रिया अदा करूंगा। और नए आने वाले जो मेरे साथी हैं, बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद बरवक्त नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकॉन को पुश कीजिएगा। बात करते हैं मौजूदा हफ्ते की, जिसका आगाज़ करते हैं बुर्ज हमल से। एरीस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जाएगा। आपका हाकिम सारा मरीक 12 था 30 सितंबर, जैसा कि 11वें घर में रहते हुए आपके हल्के अहबाब में वसत लाने के अलावा आपके ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो आपकी कोशिशें हैं उनको जारी रखने में भी आपका मददगार साबित हो सकेगा। 19 और 20 सितंबर को मरीख यूरेनस तरबी होने की वजह से अपने हकूक की खातर जदोजहद कर सकेंगे, जबकि हादसाती या नागहानी हालात यानी एमरजेंसी कोई सूरत हाल बन सकती है, सरकमस्टांसिस ऐसे आ सकते हैं, तो अगर उनका सामना हो जाए तो अपने आप को हौसला मंद रखिएगा, हिम्मत नहीं हारिएगा। और इसके साथ साथ कुछ तकनीकी मसाइल भी सामने आ सकते हैं, वो चीज़ें जिनको हम कहते हैं बिलावजी की ये चीज़ें आ गई, या हमें उनकी रीज़न कुछ नहीं समझ आता, हम उसको कॉज आउट नहीं कर पाते, तो कुछ इस तरह के मामलात आपके सामने आ सकते हैं 19 और 20 को ख़ास तौर पर। तो अपना अपने हफ्ते का तफसीली जायज़ा पढ़ने के लिए और बाकी आर्टिकल पढ़ने के लिए, चूँकि फुल मून अगले हफ्ते में आ रहा है तो उसके बारे में मज़ीद तफसील आपको पढ़ने के लिए विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा था 30 सितंबर से चुके 7वें घर में रहते हुए आपके शराबती और अजवाजी उमूर में राहत और खुशी लाने के अलावा आपकी अगर शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी की ख्वाहिश को पूरा करने में भी आपकी मुआवनत करेगा, आपका साथ देगा, आपके लिए मददगार साबित होगा, यानी आपके लिए बेहतर और मुआफिक हालात को सामने ला सकेगा। बुर्ज जौजा जेमिनी मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारक 7 से 22 सितंबर जगह 4 और अपनी शर्फी घर में रहते हुए आपके खानगी और खानदानी उमूर में राहत और खुशी लाने के अलावा जमीन और जायदाद से माली फवायद का हसूल मुमकिन बनाने का सबब बन सकेगा, जबकि 23 से लेकर 30 सितंबर तक अतारक जो है जगह 5वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपकी खास तवज्जो आपके जो अपने रोमानवी उमूर हैं, प्यार मोहब्बत के जो मामलात हैं, उनकी तरफ मबजूल रखेगा। और यकीनन जब आप तवज्जो रखेंगे उस तरफ, आपका फोकस रहेगा, तो वहाँ से भी आपको राहत और खुशी नसीब हो सकेगा। 16 और 17 सितंबर को तारत प्लूटो तसलीस और तारत मुश्तरी तस्दीस होने की वजह से आपका अंदाजे गुफ्त को मुतासर कन हो सकता है, जबकि ख्यालात का इजहार मुस्बत सोच की वजह से दिलफरेब होगा। इसके साथ साथ तालीम और तदरीस में आपकी दिलचस्पी मजीद बढ़ सकेगी। 21 और 22 सितंबर को अतारस शम्स ग्रहण होगा, जिसकी वजह से अगर कोई सफ़र आ जाए इस दौरान
تو بہت زیادہ ضروری ہو، تو صدقہ دے کر اس کا آغاز کیجیے گا، جبکہ حالات کا مقابلہ کرنے کا جذبہ تو یقیناً آپ میں جنم لے سکے گا۔ 23 اور 24 سپٹمبر کو اتارہ زحل تربی کی وجہ سے تنگ دلی، تنگ نظری، یعنی نیرو مائنڈڈ ہونے سے، دل کو چھوٹا کرنے سے، دوسروں کے بارے میں نیگیٹو ہونے سے گریز کیجیے گا، بچیے گا، ورنہ اس کے آفٹر ایفیکٹ جو آپ کی ذات پہ آئیں گے وہ آپ کے جاری معاملات جو ہیں ان کو ڈیلے کر دیں گے، اس میں جو ہے وہ تاخیر ہو جائے گی۔ اس لیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے معاملات زندگی انجام جو ہے تو وہ خاصا محتاط رہنا ہوگا۔ برج سرطان کینسر موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ اب کینسر والوں کے لیے اس ہفتے میں کوئی مون کی خاص مومنٹ نہیں تھی، لیکن جب دیکھا گیا، جب غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ پچھلے ہفتے میں چونکہ قمر جو تھا آپ کا، چاند جو تھا آپ کا حاکم ستارہ ہے، وہ برج عقرب میں تھا، جس کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہوئے وہ اس ہفتے میں بھی جاری رہیں گے، اور اس دوران آپ کو کسی نئے کام کا آغاز کرنے سے اجتناب برتنا ہوگا، محتاط رہنا ہوگا، اور خاص طور پر آپ کے صدقات جو ہیں ان کی ادائیگی ضرور کرنا ہوگا تاکہ آپ کسی بھی مشکل سے، تکلیف سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ مزید جاننے کے لیے اپنے ہفتے کی ڈیٹیل، آپ اپنا دن، مہینہ، سال اور بہت کچھ اپنے بارے میں پڑھنے کے لیے وزٹ کیجیے گا astrohope.pk۔ برج اسد لیو موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ شمس یکم تھا 23 سپٹمبر خانہ مال میں رہتے ہوئے آپ کے مالی وسائل میں مثبت پہلو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی موجودہ آمدنی جو ہے اس میں اضافہ کرنے کے لیے نئے ذرائع مہیا کرنے کا سبب بھی بن سکے گا۔ 24 سے 30 سپٹمبر شمس جو ہے وہ ذائقہ کے تیسرے گھر میں رہتے ہوئے کسی بھی سفر کو وسیلہ ظفر بنا سکے گا، جس میں عزیز و اقارب اور بہن بھائی جو ہیں ان کے ساتھ ان کی مدد بھی آپ کو حاصل رہے گی اور ان کے ساتھ آپ کے روابط بھی مزید مضبوط ہو سکیں گے۔ 21 اور 22 سپٹمبر کو شمس ستارہ کران ہونے کی وجہ سے مضبوط قوت فیصلہ وجود میں آئے گی، یعنی آپ کے فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے اب وہ خاصی بڑھ جائے گی، جبکہ دوسروں سے بات چیت کے دوران آپ کی خود اعتمادی جو ہے اس میں اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے حالات کا مقابلہ مثبت انداز میں کرنے میں آپ کامیاب ہو سکیں گے۔ برج سنبھلا ورگو موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ تارس 7 تا 22 سپٹمبر آپ کے تالے میں آنے کی وجہ سے آپ کی خود اعتمادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی سوچ بھی مثبت رہے گی، جبکہ آپ کا انداز گفتگو خاصا متاثر کن رہے گا۔ 23 سے لے کے 30 سپٹمبر تک اتارت جو ہے وہ خانہ مال میں رہتے ہوئے آپ کی آمدنی کے مسائل بڑھانے کے علاوہ آپ کی مالی مشکلات کا خاتمہ بھی ممکن بنا سکے گا۔ 16-17 سپٹمبر کو اتارت پلوٹو تسلیس اور اتارت تصدیس ہونے کی وجہ سے اپنے نفسیاتی مسائل کا خاتمہ روحانی طور سے ہی ممکن بنا سکیں گے، جبکہ آپ کا مثبت کردار جو ہے اور عمل دو چیزیں ہیں، آپ کا کریکٹر، آپ کی سوچ اور آپ کا پریکٹیکل ایکشن جو ہے اگر وہ پوزیٹیو ہے تو یقیناً آپ کی عزت و وقار میں خاصا نہیں بہت زیادہ اضافہ ہو سکے گا۔ 21 اور 22 سپٹمبر کو اتارہ شمس کران ہونے کی وجہ سے آپ حالات کے مطابق اقدامات کرنے کو ترجیح دیں گے، جبکہ آپ کی قوت ارادی مزید مضبوط ہو سکے گی۔ 23 اور 24 سپٹمبر کو اتارت زحل تربی ہونے کی وجہ سے جنم لینے والے جو حالات ہیں ان میں آپ کو بغیر مشاورت کسی قسم کے فیصلے کو فائنل سٹیج تک نہیں لے جانا چاہیے، یعنی اپنی کسی بھی کام کو حتمی شکل دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ برج میزان لبرا موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ زہرہ 10 سے 30 سپٹمبر خانہ مال میں رہتے ہوئے جس آپ کی آمدنی جو ہے، موجودہ آمدنی جو ہے اس کے مطابق آپ کے جو وسائل ہیں ان کو بڑھانے کا سبب بنے گا، جبکہ آپ کے جو اس وقت موجودہ جو بھی آپ کی مشکلات چل رہی ہیں ان کا خاتمہ یقینی طور پر ممکن بنا سکے۔ برج عقرب اسکارپیو موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مریخ 12 تا 30 سپٹمبر تک جگہ چوتھے گھر میں رہتے ہوئے زمین و جائیداد اور خانگی امور میں آپ کی توجہ بڑھانے کا سبب بن سکے گا۔ آپ کا ذیلی حکم پلوٹو تمام مزہ چکے تیسرے گھر میں رجت کی حالت میں رہتے ہوئے 16 اور 17 سپٹمبر کو اتارت سے تسلیس بنائے گا، جس کی وجہ سے اپنے نفسیاتی مسائل کا حل تلاش کرنے میں آپ کو کامیابی ہو سکے گی، اور جبکہ آپ کی سوچ جو ہے اس میں مزید پختگی آئے گی، مینٹلی آپ خاصے میچور ہوں گے، لیکن نفسیاتی مسائل کا حل تو تبھی ملے گا نا جب آپ خود سے چاہیں گے، صرف آپ کوشش کریں گے۔ تو اگر آپ کہیں گے اوکے ٹھیک ہے جی اسٹار مومنٹ اچھی آ گئی ہے خود بخود حل ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ کھانا کھانا ہے، آپ کا خیال ہے، بھوک لگی ہے یا آپ کی خواہش ہے، تو اس کے لیے آپ کو ارینجمنٹ خود سے کرنا ہوگا، تو اٹ سیلف سارا سامان پڑا ہوا ہوگا وہ کھانا نہیں بنے گا۔
19 और 20 सितंबर को मरीख यूरेनस पर भी होने की वजह से कुछ इमरजेंसी हालात या हादसाती किस्म की सूरत हाल पैदा हो सकती है, लेकिन सबसे जो बेहतर इसमें चीज आएगी वो होगी कि जो भी आपके मौजूदा टेक्निकल किस्म के जो मसाइल थे जिनकी समझ नहीं आ रही थी कहाँ से शुरू कहाँ खत्म करें, तो उनका जो पॉजिटिव सोल्यूशन जो है वो आपके सामने आ सकेगा। बुर्ज कॉस सेगटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जाएगा। आप हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मजाजी के बारे में घर में रहते हुए आपके हाजरीन और मुखालफिन को देर करने का सबब बन सकेगा। इसके साथ साथ बैरून मुल्क अगर इमिग्रेशन के लिए आपकी ख्वाहिश है या आपने प्लान किया हुआ है तो यकीन ये वक्त खासा पॉजिटिव साबित होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ आएगी वो आपको अपने अखराजात पर काबू पाने की, यानी जो आपके एक्सपेंस हैं उनको कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। 16 और 17 सितंबर को मुश्तरी तारा तस्दीस होने की वजह से हालात का मुकम्मल जायजा लेते हुए मुस्तहकम फैसले करने में कामयाब हो सकेंगे। इसके साथ साथ शोबा तालीम में आपकी दिलचस्पी मजीद बढ़ सकेगी। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा जोल तमाम आपके ताले में रहते हुए 23 और 24 सितंबर को अतारस से तरबी बनाएगा, जिसकी वजह से आपके जारी जो मामलात हैं उनमें ताखीर हो सकती है, जो भी आपके प्रोजेक्ट शुरू हैं उनमें थोड़ा डिले आ जाएगा। इस वजह से आपके अंदर थोड़ा इरिटेशन हो सकती है, जल्दबाजी का अंसर हावी हो सकता है, तो आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे, अपने दिमाग को कंट्रोल करेंगे, चूँकि जो मामलात हैं वो अतारत की वजह से दिमाग से ही रिलेटेड आएंगे, तो इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा हाल है कि अपने जो मुखलिस आपके दोस्त अहबाब हैं जो आपके दुख सुख के साथी हैं जिनकी राय की साहिब होने पे आपको यकीन है, उनसे ज़रूर मुशावरत कीजिएगा ताकि आप अपने आप को पीसफुल रख सकें। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जाएगा। आपका हाकिम सारा दौल तमाम अजाचा के बारहवें घर में क्या मुंतजर रहेगा, जबकि आपका जैली हाकिम यूरेनस तमाम अजाचा के चौथे घर में रुजत की हालत में मौजूद रहते हुए 19 और 20 सेप्टेम्बर को मरीख से तरबी की हालत में होगा, जिसकी वजह से मसाइल के हल के लिए आपको अपने करीबी और मुखलिस दोस्त अहबाब जो हैं उनका तआवुन हासिल करना होगा और यकीनन बआसानी ये सारा काम हो जाएगा, और जब उनसे मशावरत होगी उनका साथ आपको मिल जाएगा तो आपके मामला भी यकीनन हल हो सकेंगे। 23 और 24 सितंबर को जोहल तारा तरबी होने की वजह से आपको ना सिर्फ अपनी सोच जो है उसको मुस्बत रखना होगा बल्कि जोश जज्बात की बजाय मुतहम्मल मिजाजी से काम लेना होगा, क्योंकि इसी में आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा फायदे आपके सामने आ सकेंगे, आपको बहुत ज्यादा फायदे हासिल हो सकेंगे। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जाएगा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम अजाचे के नौवें घर में रहते हुए आपकी नसीब जावरी कर सकेगा, यानी आपकी जो आपके मुकद्दर जो हैं उनको बहुत ज्यादा बेहतर बना सकेगा, आपके लिए फेवरेबल बना सकेगा, आपके जो आप मुकद्दर आजमाई करते हैं उसमें आपको कामयाबी मिल सकेगी, जिसकी वजह से आपकी बैरून मुल्क सफर करने की जो ख्वाहिश अगर है तो वो भी पूरी हो सकेगी। हो सकता है कुछ लोगों का काम जो डिले चलता आ रहा हो तो इस हफ्ते में उनको अपने काम मुकम्मल करने में खासतौर पर बाहर का सफर करने में अब्रॉड जाने में खासी सहूलतें और आसानियाँ मुयसर आ जाएंगी। आपका जहली हकम नेपचून तमाम ताले में ही रुजत कालज में मौजूद रहेगा। 16 और 17 सितंबर को मुश्तरी तारा तस्दीस होने की बिना पर आपकी खुद इतमादी बहाल हो सकेगी, जिसकी वजह से आपके अहम फैसले जो हैं और अमली इकदाम जो हैं उनकी वो जो बुनियाद बन सकेगी, यानी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होगा जब रिवाइव होगा, जब आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो आपके जो अहम फैसले होंगे कि आप कोई प्रैक्टिकल एक्शन करेंगे तो उसकी बुनियाद में वही आपका एतमाद जो है वो नुमाया होगा। इसके साथ साथ जो खुशी की बात यह है कि आपकी सोच खासी पॉजिटिव रहेगी। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ। अपने बारे में जानने के लिए अपना दिन हफ्ता महीना साल और अपने बारे में बहुत सारे बाकी आर्टिकल पढ़ने के लिए विजिट करते रहिएगा astrohope.pk। आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।